राधे राधे, मेरी हो चुकी है पूजा। आगे देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा मेरे आज के व्लॉग में। देखिए गाइस, रानी आ चुकी है। हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। क्योंकि सिद्धू कह रहा उस दिन के मम्मी मुझे मिले नहीं संडे में, क्योंकि वो चला गया था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा चलो फिर बना देती हूँ आज ब्रेड रोल, रानी भी खा लेगी। उस दिन तो संडे में तो आती नहीं है रानी, तो रानी ने भी नहीं खाए थे, तो रानी भी खाएगी। और आज के व्लॉग में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कल जितने भी लोग मुझे देखने आए थे मेरे घर, जितनी भी लेडी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स, उनके तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करती हूँ और थैंक यू सो मच। आप लोग आए देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही प्यार होता है, यही मोहब्बत होती है। तो बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। आज क्योंकि ब्रेड रोल बनेंगे तो मैं ठाकुर जी को उसका भोग नहीं लगाती, क्योंकि ब्रेड बाहर की होती है, पता नहीं कैसी होती है। तो मैं उनके लिए बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा। ठाकुर जी को हलवे का भोग बहुत पसंद है, और हलवा भी कौन सा, सूजी वाला नहीं, आटे वाला। तो मैं आज आटे वाला उनके लिए हलवा तैयार करूँगी। देखिए ठाकुर जी का भोग तैयार हो रहा है, उधर बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है। दोबारा चलेंगे। आटा हमने भून लिया है। आटा हमें जितना लेना है ना, उतना ही उसमें हमें घी लेना है, तो हमारे उसमें गांठे नहीं पड़ेगी हलवे में, ठीक है। और उतना ही लेना है हमें पानी, और उतनी ही लेनी है हमें चीनी। तो मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ गुड़ के लिए, इसके लिए सॉरी हलवे के लिए, और इसमें मैं डालूंगी अब चीनी। तो मैंने डाल दी है इसमें चीनी, और मैं इसको चलाऊंगी थोड़ा, जिससे कि ये बॉयल हो जाए। बंद गैस कर दी है बंद। अब मैं इसमें डालूंगी आटा भुना हुआ, को अब इसको हमें चलाना है ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी, जिससे कि इसमें हमारी गांठे ना पड़े। देखिए क्योंकि ये बहुत जल्दी से टाइट होता है आटा। अभी जबकि मैंने ना गैस ऑन नहीं की हुई इसके नीचे, ये देखिए, लेकिन ये ऐसे ही टाइट हो जाएगा। अगर आप गैस ऑन कर लेंगे ना, तब तो आपको ये बिल्कुल ही और भी पानी चाहिए होगा। लेकिन ये देखिए हमारा तैयार हो गया है भगवान जी का भोग, आटे का हलवा, ठाकुर जी का भोग हो गया हमारा तैयार। गैस मैंने ऑलरेडी बंद की हुई है जी, मेरा लग गया है ठाकुर जी का भोग, आटे का हलवा। अब हो गई है मेरी पूजा पूरी, खुद भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि जब तक ना मेरे गले से नीचे को नहीं जाता, जब तक मेरे ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। आदत हो गई है मुझे, मेरे लग गया है ठाकुर जी का भोग और हलवा। मैं खिलाऊंगी ये परी को, देखिए हो, परी खाएगी हलवा और सिद्धू खाएगा ब्रेड रोल। और मेरी परी का फूल रहा है मुंह, क्योंकि वो सारी अपने पापा की याद, वो अपने पापा के बगैर नहीं रहती। ये देखो रोना शुरू किस लिए बेटा, देखो लड़कियां कैसी होती हैं कैसी होती है ना लड़कियां, कैसा लग रहा? अच्छा। ये देखो ब्रेड रोल उसको ना बहुत पसंद है, और मेरी परी नहा के भी बैठ गई है, और देखो गुस्सा आ रहा है उसे पापा पे, क्यों गए पापा। परी को बना के देते हैं पापा आटे के हलवे के लड्डू, तो उसको वही याद आ रहे हैं, तो कह रही मम्मी लड्डू, तो मैंने लड्डू बना दिया उसके। ये देखो आटे के हलवे के लड्डू बना के खाओ, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। गप्पू देखो, ये काम पापा करते हैं जो मुझे करना पड़ रहा है इस टाइम। देखो पापा की लाडली, तो लड्डू परी के आटे के। देखो भाई हम कर रहे हैं नाश्ता, मैं इधर और रानी कर रही है उधर। रानी को मैंने मना कर दिया खाना मत लाया कर, जब तक सर नहीं है हमारे साथ ही बैठ के खा लिया कर खाना। तो खाना भी मैंने इसको मना कर दिया, अब हम कर रहे हैं नाश्ता, तो करेंगे खाने के लिए। मैंने कितना सारा सामान मंगाया, और एक पार्सल भी होगा। फिर मैंने कहा अजीत तू आराम से ना अब नाश्ता करके जाना, क्योंकि हम नाश्ता ही कर रहे थे। तो मैंने कहा अजीत नाश्ता करके जाना, तो अजीत को भी नाश्ता दे दिया है रानी ने, और नाश्ता करेगा वो। देखो भाई सिद्धू लाया है मेरे लिए नारियल पानी, कह रहा मम्मी आप नारियल पानी पियो फिर बनाना खाना। तो मैं पहले पीऊंगी नारियल पानी और फिर बनाऊंगी मैं खाना। देखो आज क्योंकि कल नारियल पानी नहीं पिया था,
देखो भाई परी को नारियल पानी बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी दे रही हूँ। मन के तू भी पी बंदरिया से देख। आ हा 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 आ हा हा ओ मेरी कुटंकी। देखो ठाकुर जी का भोग लगाया मैंने, नमक घी और चावल। ठाकुर जी का माँ काली का भोग लगा दिया है आज, ये खिलाया है मैंने इनको सादा सादा, जैसा मैं खा रही हूँ सिंपल सिंपल खाना वही। और आज भोग लगाऊंगी ना चुकंदर के जूस का, जो मैं खाती हूँ वही खिलाऊंगी इनको भी। देखो गाइज मैंने किया थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज अपने यहाँ की। देखो ये पिकॉक है, पिकॉक में पौधा लगा रखा है मैंने बहुत छोटा सा। और देखिए ये मनी प्लांट की बेल है मेरी, और इसी पे ही मैंने स्टूल रख के इस तरह से अपना कछुआ रखा हुआ है, जो कछुआ मेरा नहा रहा है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ऐसे तो थोड़ा सा सामान इलट पलट कर रही हूँ, इसके पापा नहीं है, टाइम पास कैसे करूँ, तो ऐसे कर दूँ। टाइम पास करने का भी तो समय चाहिए ना थोड़ा सा, कि हाँ मन लग जाए थोड़ा सा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप बताइएगा प्लीज़। टाइम पास कर रही हूँ थोड़ा सा, सब खाना खाने के लिए दाल चावल, और मैं भी खाऊंगी ठाकुर जी का भोग। और भिंडी हमारी रात की थी, रानी को भी मैंने बोल दिया तुम भी आओ और खाना खाओ पहले, फिर उसके बाद कुछ काम करेंगे हम लोग। हम खा रहे हैं खाना सब मिलके, सर नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं। तो रानी को भी बिठा लेती हूं पास में कि चलो, एक सदस्य कम नहीं होना चाहिए, एक सदस्य को बढ़ा लेना चाहिए। खाना खाते हैं तो मैंने चार की ही अपनी संख्या पूरी कर रखी है, कम नहीं होने दी, इसलिए रानी को अपने हिस्से में मिला लिया। रानी मेरे पास जब तक खाना है खाना, तुम खाना मत लाना। देखो आम बहुत पसंद है, तो मैंने आम काट के दिया परी को भी, सिद्धू को भी, दोनों आम खा के अभी गए हैं। सिद्धू अभी उधर गया है, मैंने भी खाया है थोड़ा सा। तो देखो परी, देखो मेरी कैसे खा रही, गुप्पूड़ू, ए मेरी गुप्पूड़ू, देखो अपने पापा की तरह खाती है। देखो देखो ड्रामा, जैसे पापा खाते हैं ना ऐसे, ये देखो। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो ऐसे ऐसे इसके पापा खाते हैं, तो मेंढकी ऐसे ही खाती है, सिद्धू भी ऐसे ही खाता है। देखो दोनों बहन भाई आम खा लिया दोनों। मैं देखिए लगा रही हूँ आज थोड़ा सामान, ये बहुत गंदा हो रहा था कई दिन से, देख रही थी इसको बहुत गंदा है, तो आज रानी से ये साफ़ कराया है पूरा स्टैंड, उधर से हटा के इधर लगाया है इसको, ड्राइंग रूम में ठीक किया है थोड़ा सा उठ के, थोड़ा यहाँ सामान सिलवाया है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी इधर, तो ये यहाँ सारा ठीक किया है ये पूरा का पूरा। और मशीन उधर ही रखी है जहाँ रखी है, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है कुछ करने की ज़्यादा, तो धीरे धीरे करके अपना काम करती रहती हूँ, नहीं तो फिर लेट जाओ ना तो फिर लेटे ही रहो, ऐसे लिखता है कि तुम उठ ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ अभी, इन्हें सारे सामान को पहुँच के और तब लगाऊंगी। देखिए गाइस, देखिए गाइस मैं भूल जाऊँ लेकिन वो नहीं भूलती। देखो ले आई मेरे लिए जूस बना के, आज इसमें थोड़ा सा मैंने उसको भी दे दिया, मैंने कहा इसमें से भी ले लो थोड़ा। देखो आज मैंने नमक डाल के पी रही हूँ इसमें, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट साइड ठीक लगे। हे भगवान, बहुत बहुत मुश्किल है सच में बीमार पड़ना, और उसके बाद जो परहेज करना है ना वो उससे भी ज़्यादा दुखदायी है सच में। यह सब मेरा काम, हाँ देखो पूरा मैंने सेट कर दिया है पूरा। हाँ सिद्धू जा रहा है ट्यूशन, देखो सिद्धू जा रहा है ट्यूशन, और इसको और कोई काम नहीं है, ये सोचती है बस कब मैं अंदर जाऊँ। देखो गेट भी खोल लेगी एकदम से, देखो हाँ हाँ पकड़ रही, देखो पर साइड हो, देखो गेट खोल लेगी, लूसी गेट खोल लेगी, नहीं हार के बैठ गई। बच्चों को लगी है हल्की फुल्की भूख शाम को, रानी जा चुकी है क्योंकि, तो मैं चाय नहीं बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गरम, और बच्चे पियेंगे दूध चौकोस, तो थोड़े से मेरे भी रखे हुए हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, वो मैं खाऊंगी। देखो
को हम खा रहे हैं गुड चोकोसा। मम्मी अपने कॉर्नफ्लेक्स खाए। मम्मी के ये कॉर्नफ्लेक्स हैं थोड़े से रखे हुए हैं तो मन का मैं भी इनको फिनिश कर देती हूँ और हम लोग ये खाएंगे चोकोस। दोनों कुछ स्टार्ट भी कर दिए। ये है इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग की छोटी सी जो खा रहे हैं हम इवनिंग स्नैक्स। और दोनों बहन भाई और तीनों में आज तो तीनों में ही लड़ाई हो गई हमारी। इसे पापा है नहीं तो चाय नहीं बना रही हूँ आजकल। स्नैक्स रखे हुए थे मेरे भी थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं तो इनको मैं भी फिनिश कर देती हूँ। डिशू ज़्यादा मत भरो, थोड़े थोड़े डालो जितने खाने हैं। तो देखिए आप भी खाइए हमारे साथ और शामिल हो जाइए। देखो हमारे शेरनी और लूसी भी भौंक रहे हैं तो यहाँ तक मुझे अंदर आवाज़ आ रही है उनकी भौं भौं भौं। मैं बना रही हूँ रात के खाने में पपीता, आप भी बनाया करिए। बहुत अच्छी है, ये लौकी की तरह लगता है। मैं सिर्फ भोंकती भी लौकी की तरह ही हूँ, यानी कि मेथी दाना डाल के, मेथी दाना और जीरा डाल के। टमाटर वमाटर लहसुन प्याज वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं डालूँ क्योंकि लगेगा ठाकुर जी का भोग। इस वजह से मैं बिल्कुल बनाऊँगी इसको सिंपल। देखिएगा इसमें मैंने डाल दिया है नमक, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। मैं इसको बनाती नहीं हूँ ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा मसालेदार, मैं बनाती हूँ इसको बिल्कुल सिंपल। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी और कुकर कर दूंगी बंद। तो देखिए गाइस मैंने कर दिया है कुकर बंद। अब मैं चली अपने मंदिर की तरफ क्योंकि मैं अब करूंगी शाम की पूजा। आ गई हूँ अपने मंदिर में शाम की पूजा करने के लिए और मैं करती हूँ दियाबत्ती फटाफट। लीजिए मेरी हो चुकी है पूजा। इतना मेरे जो मैंने अभी पपीता चढ़ाया है लगने लगी है कुकर में सीटी। तो मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। किचन में और मैंने गैस कर दी है थोड़ी सी कम जिससे कि पपीता अच्छे से गल जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिंपल सिंपल डिश भी दिखाऊंगी और हर जगह का वातावरण भी दिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे साथ अभी भी बने रहिए। देखो गाइज मैंने तो बोला परी को कि अपने कप रख तो दो कम से कम, लेकिन परी ने कहा मम्मी ये तो आपका ही कप है। तो मैं तो भूल ही गई खाके के यार मैंने तो अपना कप यही छोड़ दिया है, सिद्धू ने अपना कप रख दिया है। तो मैं अपने कप रखने जा रही हूँ किचन में। ये मैं रख चुकी हूँ अपने कप। कभी कभी बच्चे भी याद दिला देते हैं कि गलतियाँ हम भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। देखिए मैंने लगा दिया ठाकुर जी का भोग रात के डिनर का, पपीते की सब्जी और रोटी। जो हम खाएंगे वही ठाकुर जी खाएंगे। इसमें कुछ भी बट डालो, बस नमक डालो और हल्का सा एक चम्मच तेल से इसको तड़का दो इस तरह से नीचे कट करके। और आप इसे पूरी पराठे चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, स्वाद बढ़ा देते हैं आपके खाने। देखिए मैंने डाला इसमें ज़रा सा नमक और बस बन चुका मेरा ये। तो मैं इसको ढक दूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धसका लग जाएगा। देखिए मैंने इसको ढक दिया है 2 मिनट के लिए और फिर इसको उगाड़ के देखूंगी तो ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बन जाएगी। हम सब कर रहे हैं डिनर, तो मैं वो पपीते की सब्जी खाऊंगी, रोटी खाऊंगी। बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना दिए हैं क्योंकि दिन के थोड़े से बचे हुए रखे थे, थोड़ी दाल बची हुई रखी थी उससे दो को खा रहे। तो हम खा रहे हैं यहाँ पर खाना रात का डिनर। खाने के इंतजार में दोनों लेती हुई हैं मेरी शेरनी भी और मेरी लूसी भी। देखो देखो जल्दी जल्दी खाने मांग रही हैं। ये डिनर का टाइम हो चुका है क्योंकि देखो सिद्धू खरी दे रहा है इनको खाना। देखो फटाफट उठ गई है, फटाफट खा रही है ये खाना। देखो बिल्कुल इंतजार नहीं करती हैं, परी दे रही है उनको खाना और जल्दी जल्दी वो खा जाएंगे खाना। देखो पूंछ उनकी हिल रही है, मजे से वो मौज कर रहे हैं। अभी देखिएगा एक चीज आप, तो देखो ले रही है ब्रेड हाथ में तो उनके पीछे पीछे भाग रही है वो फटाफट। देखो कितने चूहे खराब हो रहे हैं हमारे दोनों के दोनों, बहुत मस्त बच्चे हो रही हैं ये दोनों की दोनों। पर चाहिए इन्हें ब्रेड ही खाने में। अगर आप रोटी दोगे तो पेट भर के नहीं खाएंगे, लेकिन अगर इन्हें ब्रेड दोगे तो चाहे आप कितनी भी दे दीजिए चाहे इनका पेट भर जाए, लेकिन खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। ये तो हमारा डिनर का टाइम हमने फिनिश कर दिया है, इनका भी डिनर हम फिनिश कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे अंदर इनके साथ खेलना। जो वो खेलना जो पूरक है, देखो वो खुश हो रहा है और रो रही कि उसने इसकी गोटी काटी जबकि मैंने भी गोटी काटी सिद्धू की ना। बताओ कोई फायदा है इनके साथ खेल के? देखो तो भाई सिद्धू ने कर दिया लाइट बंद, मैं कर रही हूँ आज का ब्लॉग बंद। मैं चली अपने मंदिर की तरफ और मंदिर में मैं छूंगी अपने ठाकुर जी और माँ काली के पैर और छू के मैं चली फिर सोने के लिए।
तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक के लिए शुक्रिया। आपको आप मुझे अपना कीमती वक्त देते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे है आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, सही रहें।